नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों वायुसेना के टॉप कमांडरों को लेकर बन रही संरचना और तौर तरीकों के बारे में अभी हाल ही में एक बैठक की गई है, जिसमें कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना की युद्धक मारक क्षमता को बढ़ाया जा सके। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में कमांडरों ने संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल की रूपरेखा और भविष्य में बल में नए विमान एवं हथियारों को शामिल करने के साथ ही वायु सुरक्षा के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर संयुक्त कमान ढांचे पर भी चर्चा की, यानी कि थेजर कमांड को लेकर भी यहां पर चर्चा की गई। वायुसेना के एक वक्ता ने बताया कि वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G जैसी नई टेक्नोलॉजी को शामिल करने की जरूरत पर बल दिया है। साथ ही उन्होंने साइबर एवं अंतरिक्ष क्षेत्र के ज्यादा इस्तेमाल की जरूरत बताई है। अधिकारियों ने कहा कि वायुसेना प्रमुख ने बताया कि भारतीय वायुसेना को लगातार अपने आप को अपडेट करना होगा। वही अगली अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार ने नई दिल्ली में नौसेना स्टेशन पर एक नए ब्लॉक का उद्घाटन किया। नए ब्लॉक का उद्घाटन कर नौसेना उप प्रमुख ने लेफ्टिनेंट धर्म सिंह सिहा को भी श्रद्धांजलि दी। अगली अपडेट चीन की दादागिरी को लेकर आ रही है। दरअसल हॉट स्प्रिंग गोगरा से हटने का नाम नहीं ले रहा है चीन। भारत और चीन के बीच विवाद अभी भी जारी है। अब इस विवाद को पूरा 1 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया। वहीं सूत्रों ने बताया कि हाल ही में दोनों देशों के बीच हुई वार्ता के दौरान चीन ने ये तक कह दिया कि भारत को अब तक जो हासिल हुआ है वो उससे ही खुश रहे। ऐसी उम्मीद थी कि दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता के दौरान चीन अपनी सेना को पीछे हटने पर राजी हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। दरअसल एक समाचार एजेंसी के अनुसार 9 अप्रैल को दोनों देशों के बीच हुई कमांडर स्तरीय बातचीत के बाद चीन ने हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट से अपने सैनिकों को पीछे हटाने से मना कर दिया। इससे देपसांग प्लेन समेत इन इलाकों के सैनिकों की तैनाती दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बन रही है। साल 2020 में दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में शामिल एक सोर्स ने बताया कि चीन ने पहले ही हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट में पेट्रोलिंग पॉइंट 15-17A से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की सहमति जताई थी, लेकिन बाद में उसने इनकार कर दिया। और इन फ्रिक्शन पॉइंट पर चीन की कंपनी नहीं बल्कि प्लाटून तैनात है। वहीं भारतीय सेना की एक कंपनी में 100 से लेकर 120 सैनिक होते हैं, जबकि एक प्लाटून में 30 से 32 सैनिक होते हैं। यानी कि अभी विवाद थमा नहीं है और बातचीत का रास्ता ही दोनों देश अपना रहे हैं। अगली खबर भूटान बॉर्डर को लेकर आ रही है। असम के चिरांग जिले में भारत भूटान सीमा पर कार्रवाई के दौरान विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद हुई है, जिसका संबंध उग्रवादी संगठन नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ बोडोलैंड यानी कि NDBF से होने का संदेह है। पुलिस ने बताया कि NDBF के कार्यकर्ताओं को विस्फोटक पदार्थों की आपूर्ति के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि तलाशी के दौरान 7.5 किलोग्राम विस्फोटक, 2 देसी राइफलें, बारूद, लोहे और स्टील के छर्रे, बिजली के तार और अन्य कई चीजें बरामद हुई हैं। आपको बता दें कि NDBF उन उग्रवादी संगठनों में से एक है जिसने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है। इनके निशाने पर हमेशा भारतीय जवान रहते हैं। इसका जाल भारत, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार तक फैला हुआ है। इसको भारत सरकार की तरफ से संगठनों की सूची में काफी पहले ही डाल दिया गया था। अगली अपडेट की बात करते हैं तो विदेश मंत्रालय को लेकर आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अबुधाबी की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस दौरान उनका ध्यान द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर होगा। एस जयशंकर की संयुक्त अरब अमीरात के अहम शहर की यात्रा उभरते हुए जियोपॉलिटिकल परिदृश्य के बीच होगी, खासतौर पर अफगानिस्तान में हो रहे घटनाक्रमों के समय। इससे पहले एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के सामने अपने समकक्ष मोहम्मद हनीफ अतमर के साथ चर्चा की और उनसे कहा कि भारत हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा रहेगा। जयशंकर ने कहा कि अतमर के साथ बातचीत के दौरान अफगान शांति प्रक्रिया में पड़ोसियों की भूमिका का मुद्दा भी उठा। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के संबंध में की गई घोषणा के बीच उभरती हुई स्थिति पर भी चर्चा की है। अगली अपडेट देश को धोखा देने वाले गद्दारों को लेकर आ रही है। भारतीय खुफिया एजेंसी ने एक धोखेबाज हरपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। ये महज 35 साल का है। हिंदुस्तानी एजेंसियों की नजर से खुद को बचाने के लिए आरोपी फॉर्म मशीनरी ऑपरेटर का चोला उड़े हुए था। भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने जब इस दगाबाज को दबोचा और उससे पूछताछ की तो उसकी मुंह जवानी सुनकर उनके भी होश फाकता हो गए। भारतीय खुफिया एजेंसियों की तरफ से की गई पूछताछ में हरपाल सिंह ने कबूला कि इंडियन आर्मी BSF के अंदर की हर वो खुफिया जानकारी वो अपनी जेब में लेकर घूमता है, जिसे भारतीय खुफिया एजेंसियां बेहद गुपचुप तरीके से साझा करती हैं।
आरोपी ने कबूला है कि वो इन तमाम गुप्त सूचनाओं को कौड़ियों के भाव बेच रहा था। वो भारतीय सेना की मूवमेंट की हर जानकारी पाकिस्तान को प्रोवाइड करा रहा था। सेना की कौन सी बटालियन बॉर्डर पर कब किधर और कहां से मूव करेगी, इन सब के बारे में वो दुश्मन को आगाह करता था। इस खतरनाक हिंदुस्तानी जासूस के तार बीएसएफ के कितने अंदर तक घुसे थे, इसका अंदाजा भारतीय सेना, खुफिया एजेंसी और दिल्ली पुलिस को तब हुआ जब आरोपी ने यह कबूला कि भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद बीएसएफ के अंडरग्राउंड बंकरों तक की जानकारी उसके जेब में है। जैसे ही सौदा पक्का होता है तो जरूरत के हिसाब से दुश्मन से रकम लेकर हमारी जानकारी दुश्मन के हाथों वो सौंप देता है। यानी दोस्तों, गद्दारों की कमी नहीं है हमारे देश में, और ये वही लोग हैं जो इस देश का खाते हैं, यहाँ रहते हैं और पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगली अपडेट की बात करते हैं तो LCA नेवी NP-5 को लेकर आ रही है, जो कि रेडी हो चुका है अपनी फर्स्ट फ्लाइट के लिए। NP-5 ट्रेनर LCA नेवी MK-1 विमान का एक प्रोडक्शन वेरिएंट है, जो कि अप्रैल के अंत या फिर मई की शुरुआत में इसका टेस्ट किया जा सकता है। और शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में इसके आगे की प्रगति के लिए NP-1 और NP-2 के साथ ये परीक्षण कार्य करेगा, और यही ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकों के विकास का एक अगला कदम माना जा रहा है। NP-5 का इस्तेमाल ऑफ नॉमिनल लैंडिंग ट्रायल्स के लिए किया जाएगा, ताकि लैंडिंग गियर पर जो तनाव के पॉइंट्स होते हैं उनका अध्ययन किया जाए और उसका डेटा एकत्रित किया जा सके, जो कि TEBDF प्रोग्राम के लिए लैंडिंग गियर के विकास में महत्वपूर्ण होगा, जो कि HAL बना रही है। NP-5 के साथ NP-1 और NP-2 का इस्तेमाल TEDBF के डेवलपमेंट के डेटा एकत्रित करने के लिए किया जाएगा। ऑफ नॉमिनल लैंडिंग ट्रायल में विमान खराब मौसम की स्थिति की नकल करेगा, जो कि प्रतिकूल समुद्री परिस्थितियों में विमान वाहक के डेक पर उतरने के दौरान विमान को प्रभावित कर सकता है, और इस तरीके की लैंडिंग से डिजाइनिंग में जो परिवर्तन करने हैं वो किए जा सकेंगे, यानी कि ये एक तरह से इसका अध्ययन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि ADA और HAL पिछले साल INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर पर NP-1 और NP-2 के द्वारा किए गए 18 टेक ऑफ और लैंडिंग परिणामों से खुश हैं, और TEBDF के लिए लैंडिंग गियर के डिजाइन को और बेहतर बनाने के लिए डेटा का अध्ययन किया जा रहा है। NP-1 शुरू में अतिरिक्त इंजन वाले लैंडिंग गियर के साथ आया था, जिसमें अतिरिक्त वजन था, जिसे धीरे धीरे कम करके रीडिजाइन और परीक्षण के साथ उसको एक अच्छे लेवल तक पहुंचाया गया था, जहां इसके सुरक्षा और वजन संबंधी मुद्दों को चिन्हित किया गया। TEDBF को लैंडिंग गियर के साथ 26 टन का टेक ऑफ और लैंडिंग को बनाए रखना होगा। अगली अपडेट चाइना और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान का रक्षा बजट 2013 से लगातार बढ़ रहा है। वो 15.9% से अब 18.43% हो गया है। वर्ष 2020-2021 के लिए रक्षा बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12% ज्यादा रहा। इस तरीके से डिफेंस में खर्च करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की सरकार अपने नागरिकों को बुनियादी आवश्यकताओं से दूर रख रही है, और जो पैसा आम नागरिकों के लिए लगाया जाना चाहिए उसे हथियार खरीदने में लगा रही है, और उसकी मदद कर रहा है चीन। ड्रैगन यानी कि चीन रिवर्स इंजीनियरिंग का माहिर है, और वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है अपने सैन्य हार्डवेयर देने में, जिसका इस्तेमाल वो ऑब्वियस बात है भारत के खिलाफ करेगा। पाकिस्तान के माध्यम से इस तरीके के अधिग्रहण किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।